नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप दवे और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का ग्लोबल सिटीजन चैनल के अंदर में। कल मैं एक बहुत ही खास जगह पे जाने वाला हूं, जो बहुत सालों से मेरा विचार था और बहुत समय से मैं सोच रहा था कि शायद मेरा भाग्य हो मुझे उस जगह पे जाने का मौका मिले। जी हाँ, मैं कल जा रहा हूँ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में, जहाँ पे एक बहुत ही विशिष्ट जगह है ये, खास करके हमारे सिख भाइयों के लिए और हम सब के लिए। दंदन गुरु नानक देव जी महाराज के अंतिम 15-20 साल उन्होंने उस जगह पे बिताए हैं और वहाँ की हर चीज़, वहाँ की सिख संप्रदाय का सबसे पहला कम्यून या पहला सभा वही उसी जगह पे पला था। कई सारे लोग इस कॉरिडोर के बारे में जानते नहीं हैं, कई सारे YouTube वीडियोस में आपने देखा होगा, पर बहुत सारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दिखी और मुझे जब अपनी ट्रिप के लिए तैयारी करनी थी तो बहुत अलग अलग वीडियोस को देख के एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ी। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं शायद आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि उस जगह तक जाना कैसा है, वहाँ जाने के बेनिफिट्स क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसको वहाँ जाने के क्या नियम है, क्या कानून है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो ये सारी डिटेल्स कल मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। आपको आज बेसिक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि दो मुख्य भ्रांतियाँ जो इस करतारपुर कॉरिडोर के बारे में है। पहली कि वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगता है, वीज़ा नहीं लगता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन लगता है जो आपको 20 दिन पहले अप्लाई करना होता है, जो भी अवेलेबल डेट्स दिखेगी उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 15-20 दिन पहले करें ताकि आपका बाकी की प्रोसीजर बड़ी आराम से हो जाए। और आपको 2-3 दिन पहले इसका, आपकी यात्रा के 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको अप्रूवल आ जाता है। तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा, कई सारे लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का वीजा लगेगा या स्टैंप लगेगा उनके पासपोर्ट पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉरिडोर का नाम ही है करतारपुर वीजा फ्री कॉरिडोर, तो यहां जाने के लिए आपको कोई वीजा नहीं लगेगा। जब वीजा नहीं लगेगा तो स्टैंप क्यों लगेगा? पासपोर्ट, जब ये दो देशों के बीच जो संधि थी उसका एक भाग था आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में, तो इसलिए आपको साथ में कैरी करना है, बाकी उस पर स्टैंप कोई नहीं लगता है। बाकी की सारी जानकारी आपको मैं कल बताऊंगा। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के बारे में बताऊं तो इसका बड़ा एक रोचक इतिहास रहा है। ब्रिटिशर रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच की सीमाएं तय करने के लिए एक रेडक्लिफ लाइन बनाई और डेरा बाबा नानक, जो कि रावी नदी के राइट साइड में था, वो इंडिया में रह गया और रावी नदी के लेफ्ट साइड का भाग पाकिस्तान में रह गया। तो जब ये चीज़ हुई तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब इंडिया में डेरा बाबा नानक और जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दरबार साहिब गुरुद्वारा करतारपुर साहब रह गया। इस दोनों देशों के बीच में शुरू में लोग आना जाना करते थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान वॉर हुई तो उस समय पे वो पुल को तोड़ दिया गया जिससे लोग आना जाना करते थे, और कई सालों से तब से लेके अब तक हर प्रधानमंत्री ने, हर अलग अलग लोगों ने कई बार अपील करी, कोशिश करी कि इस कॉरिडोर को वापस खोल दिया जाए। लेकिन रिसेंटली 2018 में जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए इमरान खान साहब से मिलने, दोनों क्रिकेटर थे, अच्छे दोस्त भी थे, और बात चली और वहां पे ये बात तय हुई कि इस कॉरिडोर को वापस रीओपन किया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वो चीज़ के लिए अपील करी और दोनों देश राजी हो गए। नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की तरफ में फाउंडेशन स्टोन की करके इस कॉरिडोर की शुरुआत करने का आरंभ किया, और पाकिस्तान में 2 दिन बाद इमरान खान साहब ने वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाल के उस पाकिस्तान की तरफ से इसका काम शुरू किया। 1 साल के अंदर में नवंबर 2019 में करीब करीब ये सारा कॉरिडोर कंप्लीट हो गया और दंदन गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व या उनकी जन्म जयंती आने से पहले ये कॉरिडोर बनके तैयार था। ये एक अच्छी निशानी है, ये एक अच्छा मौका है दो देशों को सोचने के बारे में कि क्या हर जगह पे नफरत की ही महत्वता है, क्या प्यार का कोई मोल नहीं? अगर इसी टाइप के कॉरिडोर और खुलते रहे, दो देशों के बीच प्यार बना रहे और जो पैसे आज हम सैन्य शक्ति में या हथियार खरीदने में लगा रहे हैं,
दोनों देश वो पैसे बचा के कई सारे अच्छे काम जैसे कि स्कूलें, हॉस्पिटल खोलना, ये जो आज दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। भगवान सबको अच्छी सद्बुद्धि दिए और ऐसे काम और होते रहे, उसी प्रार्थना के साथ कल मैं करतारपुर साहब जाऊँगा। अगर आपके कोई प्रश्न है मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो में उस चीज़ों के बारे में जवाब देने के लिए। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक और ला के दूँ। धन्यवाद।